जय श्री शंभु, नमस्कार। आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो आईटी हेड है केपी सिंह चनुआ जी, काफी दिन से चर्चा कर रहा था कि सर आप और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक का सेक्रेटरी है के मिश्र सर जी तो गए थे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारा मधुमक्खी वाला बोल के जो इंस्टीट्यूट है, हम और मिश्र जी तो गए थे, तो उनका मन में बहुत इच्छे थे कि मैं भी अगर विजिट करने के लिए जाऊंगा। तो ऑपरेशन के एक काम पे उसको लखनऊ भेजा गया था, तो लखनऊ को काम करने के बाद उन्होंने सोचे थे कि मैं भी एक बार सर वहाँ पर विजिट करने के लिए जाऊंगा। तो हम लोग निमित सिंह जी से उसको कनेक्ट कर दिया है, तो आज बहुत खुशखबरी है कि चनुआ जी ने वहाँ पर विजिट करने के लिए गया था, निमित जी भी था, निमित जी भी उसके बारे में, उसको पूरा जो इंस्टीट्यूशन है, जो लैब उसका जो लैब है, लैब को पूरा बड़ी अच्छे तरह से दिखाया। उस वक्त काफी देर तक उनके साथ चर्चा किया है। निमित जी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है टीजीएपीएस के बीएसके का एज ए गाइडर हिसाब से शहद या मधुमक्खी के ऊपर बहुत सारी उन्होंने मदद किया है। उन्होंने आज भी स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा इससे पहले 5 स्टाफ हैं या जो भी सोचेंगे वो यहाँ पे आके कम से कम 15 दिन का ट्रेनिंग लेके गया था। फिर उन्होंने बोला है इस बीच में बहुत सारे काम हमारा आगे बढ़ चुका है शहद के ऊपर या मधुमक्खी के ऊपर, और आगे में बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनका जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजर का एक सोच है, उनका भी एक सोच है कि चलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है मधुमक्खी वाला, उसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो टीजीपीएस के बीच के हैं, दोनों को तालमेल करके और आगे ले जाएंगे, क्योंकि शहद का बहुत डिमांड है पूरा देश में तो है ही है, इसके साथ साथ पूरा विश्व में भी इसका हाई डिमांड है। सब जानते भी हैं कि पूरा विश्व में इंडियन जो हनी है इसका हाई डिमांड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर एक बार मैं हमारा निमित सिंह जी को और केपी सिंह ठेनो जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री शंभु, नमस्कार। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले सोमेन कोले जी और के मिश्रा जी हमारे मधुमक्खी वाले संस्थान पे आए थे और उन्होंने प्रशिक्षण पूरा तरीके से लिया था, और उनके यहाँ से लगभग 5 किसान भी हमारे यहाँ प्रशिक्षित होने के लिए आए थे। उन लोगों ने यहाँ पे लगभग 15 दिन का ट्रेनिंग किया था। संस्था है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है संस्था, और हम मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हम संस्था को ये 100% बताना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में या बाजार के रूप में किसी तरह का सहयोग अगर संस्था हमसे चाहती है, हम हमेशा देने को तत्पर हैं। और हम चाहेंगे ये भी कि अगर संस्था से कोई और किसान भी हमारे यहाँ पे आके प्रशिक्षण लेना चाहता है तो निःशुल्क आके प्रशिक्षण ले सकता है, और हम के मिश्रा सर का और सोमेन कोले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आके अपना कीमती समय दिया और मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।